सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिव्यूज़ को एडिट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को डिलीट करेंगे। तो मैं जाता हूँ वीएस कोड में और यहाँ पर मैंने ओपन किया है रिव्यू कंट्रोलर। अब यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक फंक्शन डिलीट रिव्यू, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट करूँगा डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर डॉलर आईडी इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का आईडी। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर रिव्यू इक्वल्स टू रिव्यू मॉडल फाइंड मेथड, और इसके अंदर हम पास करेंगे डॉलर आईडी। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ डॉलर रिव्यू इक्वल इक्वल नल। अगर रिव्यू की वैल्यू हमें नल मिलती है तो हम यहाँ पर एक एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन स्टेटस फॉल्स। ओके, और यहाँ पर हम एक सेशन का मैसेज भी देंगे, सेशन फ्लैश एरर रिव्यू नॉट फाउंड, और एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, रिव्यू को डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। तो डॉलर रिव्यू डिलीट। ओके सो अब रिव्यू डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर एक सक्सेस रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, तो यहां पर सक्सेस रिव्यू डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, दिस मेथड विल डिलीट रिव्यू फ्रॉम डेटाबेस। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो मैं web.php फाइल ओपन कर लेता हूँ, कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर URL चेंज कर लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, डिलीट रिव्यू। ओके, और मेथड मैं कॉपी कर लेता हूँ डिलीट रिव्यू, और यहाँ पर होगा account.reviews.deleteReview। ओके सो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है list.blade.php। ठीक है, इसका लोकेशन आप देख लो रिव्यूज के अंदर, list.blade.php। अब यहाँ पर एक डिलीट का आइकन है, तो इसकी ऑन क्लिक इवेंट पर हम एक मेथड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पर सेक्शन स्क्रिप्ट एंड सेक्शन। ओके, और यहाँ पर हम अपना एजैक्स लिखेंगे, तो स्क्रिप्ट, और यहाँ पर फंक्शन डिलीट रिव्यू, और एक आर्गुमेंट होगा यहाँ पर आईडी, जो कि रिव्यू का आईडी होगा। अब इस मेथड को हम यहाँ पर कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट पे, और इसके अंदर हम पास करेंगे रिव्यू का आईडी, तो डॉलर रिव्यू का आईडी यहाँ पर दे देते हैं। ओके, और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगा, इफ कंडीशन के अंदर एक कन्फर्मेशन होगा, कन्फर्म कन्फर्म मेथड के अंदर अपना मैसेज होगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट। अगर वो यस कर देगा तो इफ कंडीशन के अंदर दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इफ कंडीशन के अंदर हम एजैक्स लिखेंगे, डॉलर डॉट एजैक्स, URL, डेटा टाइप पोस्ट सक्सेस कॉलबैक फंक्शन रेस्पॉन्स। अब इस राउट को हम यहां पर कॉल करेंगे, तो राउट account.reviews.deleteReview, और इस आईडी को हम डेटा में यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये रिव्यू का आईडी है जिसे मैंने डेटा में यहां पर पास कर दिया है। अब यहां पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ इक्वस टू
यहाँ पर हम एक राउट को कॉल करेंगे, कौन सा राउट, राउट अकाउंट डॉट रिव्यूज। ओके ठीक है, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ और इंस्पेक्ट करके यहाँ पर नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो एक कंफर्मेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैं कैंसिल कर दूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं ओके करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पर CSRF टोकन भी भेजना होगा, अगर CSRF टोकन मैं नहीं भेजूँगा तो टोकन का एरर आने लगेगा, तो यहाँ पर XCSRF टोकन, और ये टोकन हमें कैसे मिलेगा, तो ये टोकन हमें CSRF टोकन मेथड रिटर्न करेगा। ठीक है, CSRF टोकन मेथड हमें टोकन रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लियर करते हैं, ओके किया, रिव्यू डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से भी रिव्यू डिलीट हो चुका है। डेटाबेस में अगर आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 4 रिव्यूज़ दिखा रहा है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अब 3 रिव्यू रह गए हैं। ओके सो दोस्तों, हम लोगों ने रिव्यूज़ को डेटाबेस से डिलीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माय रिव्यूज़ मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे, तो माय रिव्यूज़ में हम उन रिव्यूज़ को दिखाएंगे जो कि लॉग्ड इन यूज़र के द्वारा पोस्ट किए गए हैं। ओके सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।